तो दोस्तों आपको तो शॉर्टकट्स तो पता ही हो गया है जो कि हम लैपटॉप के अंदर या हमारे पीसी के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, यानी कि उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो सिंपली वो मुझे यहाँ पे मतलब कि उस जगह पे लेके जाएगा जिस जगह जगह के हमने यहाँ पे शॉर्टकट्स बना के रखे। तो अगर आपको पता नहीं कि कैसे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा जिस जगह का हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप हो सकता है आपने ब्राउज़र का भी शॉर्टकट बना सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल क्रोम का जो कुछ भी मैंने शॉर्टकट बना के रखा है, यहाँ पे पिकासा का कुछ और सॉफ्टवेयर है उसका भी मैंने एक शॉर्टकट बना के रखा है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का बना सकते हो, किसी भी ब्राउज़र का भी बना सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं दो तीन शॉर्टकट्स क्रिएट करके दिखाता हूँ, अपने फोल्डर का क्रिएट करके दिखाता हूँ या अपने इमेजेस वगैरह, तो मतलब फ़ोन स्टोरेज मतलब कि लैपटॉप का जो कुछ भी स्टोरेज है उसके अंदर का दो तीन शॉर्टकट मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं दोस्तों हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, यानी कि हमारे लैपटॉप के स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे डिस्क है, यानी कि डिस्क सी, डिस्क डी, यानी कि अलग अलग जो कुछ भी मेरे स्टोरेज है उनका भी हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर मुझे सपोज यहाँ पे ई वाला जो कुछ भी मेरा डिस्क है, यानी कि न्यू वॉल्यूम ई नाम से मेरा जो कुछ भी डिस्क है उसके अंदर आप देख सकते हो 337 GB पूरा स्पेस है, मतलब नहीं सॉरी अवेलेबल स्पेस है, और बाकी टोटल 341 GB। तो उसका अगर मुझे शॉर्टकट क्रिएट करना है तो उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा दोस्तों, लेफ्ट क्लिक नहीं करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपी वाला एक ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएगा, तो उसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने कॉपी के ऊपर क्लिक कर दिया, तो इस तरह से कुछ ये बैक हो गया, मतलब कि यहाँ पे हमारे सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मिनिमाइज़ करेंगे इसको, पूरा मिनिमाइज़ करेंगे, होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको जिस जगह पे भी इसका शॉर्टकट रखना है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, फिर से एक बार आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है पेस्ट शॉर्टकट, तो पेस्ट शॉर्टकट के ऊपर आपको सिंपली फिर से एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू वॉल्यूम ई नाम से एक शॉर्टकट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे लेके आया पूरा न्यू वॉल्यूम ई के अंदर, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मतलब कि उस डिस्क के अंदर मैं डायरेक्टली आ गया, मुझे पीसी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं फिर से एक बार एक अलग शॉर्टकट क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं पीसी के अंदर आ चुका हूँ। तो दोस्तों पीसी के अंदर आने के बाद में यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हो, यानी कि जिस चीज़ का आपको वहाँ पे जाके शॉर्टकट क्रिएट करना है उस चीज़ को आप कॉपी कर लेना, हो सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर को आप कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने एक डाउनलोड करके रखी थी एक इमेज, तो उसको अभी ओपन करके देखता हूँ। ओपन करने के बाद में जो कुछ भी मेरी वॉलपेपर पे जो कुछ भी इमेज थी तो वही इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका अगर मैं शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फिर से एक बार कॉपी के ऊपर जाऊँगा, कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे आप जिस चीज़ को भी कॉपी कर सकते हो उसका शॉर्टकट आप इजीली बना सकते हो। किसी भी चीज़ को आप कॉपी करना चाहते हो, किसी PDF वगैरह हो सकती है, PPT हो सकती है, कुछ भी चीज़। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में होम स्क्रीन पे मैं आ गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट शॉर्टकट के ऊपर मैं फिर से एक बार क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो हमारा जो शॉर्टकट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे ओपन हो रही है, यानी कि आप जिस चीज़ को ओपन करते हो, बार बार ओपन करते हो, उसका आप शॉर्टकट भी बना सकते हो, यानी कि वो ऑपरेटिंग में आपको ईजिली आप ऑपरेट कर सकते हो। यानी कि होम स्क्रीन पर आ जाओगे तो किसी भी चीज़ के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो उस शॉर्टकट की वजह से आप डायरेक्टली उस फाइल को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर से उनका मैंने शॉर्टकट बना के रखा है, तो उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे, हमें पीसी के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपने पीसी के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो जो कि आपके ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो के लिए लाइक कर देना, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।